अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो बिहार में मतलब वैसा कंटेंट किसी ने भी नहीं दिया है, तो आप लेंथ बड़ा है तो इसको पहले थोड़ा सा छोटा करवाते हैं, उसके बाद फिर आप सबको बताते। आपका भाई ना एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करना चाह रहा है ना जो भाई एक यूनिक सा हो, और बार बार इन्हीं के पास आ जाते हैं परेशान करने। कब कहाँ निकलना है, क्या प्लानिंग हो रहा था इतना दिन से? हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? होप कि मस्त मजे में होंगे। तो भाई बहुत दिनों से आप सबके साथ बात नहीं हो पा रही थी, आप सबके सामने नहीं आ पा रहे थे, और आप लोग के माइंड में भी एक सवाल चलता होगा कि आखिर भाई इतने दिनों से थे कहाँ। तो गाइस इस वाले ब्लॉग में आप सबको सारा जवाब मिल जाएगा। फिलहाल आप सबको कुछ दिन पहले बताए थे कि भाई एक बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, उसी प्लानिंग को पूरा करने में लगे हुए थे, तैयारी चल रही थी, तो फिलहाल लगभग लगभग हो चुका है। और इस प्लानिंग के बारे में आप सबको बता देंगे एक से दो वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में आप सबको पता चल जाएगा कि भाई क्या प्लानिंग हो रहा था और क्या होने वाला है आगे। तो गाइस चलते हैं और इस वाले ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई कुछ दिन पहले ये वाला बोर्ड लाए थे और आप सबसे बताया था कि भाई इस बोर्ड से ना बहुत बड़ा काम होने वाला है, तो ये बहुत काम की चीज़ है। तो फिलहाल अभी इसको लेकर के चलते हैं, और मेरे हिसाब से ना ये वाला बोर्ड थोड़ा सा बड़ा है, इसका लेंथ बड़ा है, तो इसको पहले थोड़ा सा छोटा करवाते हैं, उसके बाद फिर आप सबको बताते हैं इस पे क्या लिखवाने वाले हैं। तो जी भाई फिलहाल बोर्ड को अपने एक्टिवा पे रख लिए हैं और अब चलते हैं, एक्टिवा को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद चलते हैं अपना काम करने। A few moments later. तो भाई फिलहाल अपने अनुसार बोर्ड कटवा चुके हैं और काफ़ी अच्छा लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया था ना, जिस कारण बड़ा लग रहा था, बट अब परफेक्ट साइज हो गया है। तो चलते हैं अभी सीधा रेडियम वाले के पास लेकर के बोर्ड को, और वहीं पे बनवाएंगे और देखेंगे भाई किस तरह का बनता है, उसके बाद फिर आप सबको दिखाएंगे। तो चलते हैं और वहीं पर मिलते हैं आप सबसे। तो भाई फिलहाल अभी बोर्ड लेके आ चुके हैं बिट्टू भाई के पास, रेडियम वाले के पास, जो बोर्ड अभी बनाएंगे। तो फिलहाल अभी दे के जा रहे हैं, भाई को मेटर समझा दिए हैं, बट ये वाला बोर्ड जो है ना भाई वो मिलेगा इवनिंग को, तो फिलहाल अभी इसमें बनने में भी कुछ टाइम लगेगा, तो आपको बनने के बाद दिखाएंगे कैसा बना है। तो गाइस वहाँ पे काफ़ी लेट हो रहा था और मुझे घर आना पड़ा क्योंकि भाई मैं नहाया हुआ भी नहीं था। तो फिलहाल घर पर आकर नहा करके अभी अपने शॉप पर आए हैं और यहाँ से चलेंगे, लगभग खाना वाना खाने के बाद चलेंगे, 3-4 बजे तक चलेंगे, उसके बाद फिर अपना बोर्ड बनवा लेंगे। तो गाइस अभी आपको बताते हैं कि भाई तैयारी क्या चल रहा था, जिस कारण इतना दिन हुआ वीडियो आने में और वीडियो क्यों नहीं आ पा रहा था। तो भाई कुछ दिन से वीडियो नहीं आने का जो मेन रीजन था ना भाई वो कॉन्टेंट, जैसा कि आप लोग को बताया भी है कि भाई जब घर पर होते हैं ना तो कॉन्टेंट नहीं मिल पाता है, जिस कारण डेली व्लॉगिंग करना पड़ता है। तो भाई कुछ दिन पहले आपको ये भी बताए थे कि भाई आपका भाई ना एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करना चाह रहा है ना जो भाई एक यूनिक सा हो और आप सबको देखने में भी मजा आएगा, तो उसी का तैयारी में लगे हुए थे। बस लगभग लगभग तैयारी हो गया 60%, 40% और बचा हुआ है। बीच में कल या परसों पटना जाना है कुछ सामान परचेज करने, तो आपको वो वाला भी वीडियो मिल जाएगा क्या परचेज करने वाले हैं, फिर आप सबको पता चल जाएगा कि भाई किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। आपको ये भी बताया थे कि अगर जिस तरह से मेरा प्लानिंग है अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो बिहार में मतलब वैसा कंटेंट किसी ने भी नहीं दिया है, तो आपका भाई पहला ऐसा क्रिएटर हो जाएगा जो ऐसा कॉन्टेंट देने वाला रहेगा। तो बस आप लोग दुआ करना भाई कि ये वाला जो प्लानिंग है ना वो सक्सेसफुल हो जाए। सो गाइज इवनिंग का टाइम हो गया है और अब चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 4:30 हो गया है, इसीलिए आप देख पा रहे हो तो थोड़ा सा अंधेरा टाइप से हो गया, ठंडी का मौसम है। तो चलते हैं और देखते हैं बना है या नहीं बना है, नहीं बना होगा तो साथ में रह के वहीं पे बनवाएंगे, तो जैसा भी होता है आपको बताएंगे। तो गाइज अभी आप सबको बस थोड़ा सा क्लिप दिखा रहे हैं, उससे आप लोग अंदाजा लगाना कि आगे क्या होने वाला है। तो ये रहा, इसी को बोर्ड पर बना रहे हैं, और ये रहे हैं बिट्टू भैया, हाय कीजिए बिट्टू भैया, इधर देखिए, बार बार इन्हीं के पास आ जाते हैं परेशान करने, तो बन जाता है उसके बाद फिर मिलते हैं। तो इस वाले वीडियो में बस इतना ही हिंट देंगे, आगे आप सबको पता चलेगा कि आखिर बोर्ड पे पूरा बनाया क्या गया है, तो एक से दो वीडियो में आप सबको पता चल जाएगा और डेट भी बता देंगे कि कब कहाँ निकलना है, क्या प्लानिंग हो रहा था इतना दिन से, तो आप लोग एक्साइटेड होंगे ज़रूर जैसे कि हम भी हैं।
तो गाइस काफी लेट हो चुका है, लगभग आए थे अंधेरा होने से पहले, लेकिन अब अंधेरा हो गया है तो फिलहाल चलते हैं। और एक बार और थैंक यू बोलते हैं बिट्टू भैया को, काफी अच्छा बनाया है। तो चलते हैं और अभी इसको पैक कर चुके हैं, आगे एक दो वीडियो के बाद आप सबको पता चलेगा कि इस वाले पैकिंग में आखिर है क्या, सारा कुछ दिखा देंगे। तो गाइस चलते हैं और मिलते हैं आप सबसे आगे।